तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास एक सैमसंग का फोन है, तो इसमें जो है जियो 4G आ रहा है, LTE वोल्टी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। तो मैं कॉल करके भी दिखा देता हूँ, LTE वोल्टी ना होने पे ये जियो में कॉल नहीं लगता, जियो 4G वॉइस का यूज करना पड़ता है। तो दोस्तों विदाउट आपको किस तरह से जियो 4G का भी यूज नहीं करना है, वोल्टी को किस तरह से इनेबल करना है इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोर कनेक्शन सेटिंग जो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको तो यहाँ पे आपको नेटवर्क मोड के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे LTE 3G 2G ऑटो मोड पे रहेगा ये करना है, उसके बाद आपको एक्सेस पॉइंट नेम यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका ये APN सेटिंग नहीं है, इस वजह से हमारा वोल्टी काम नहीं कर रहा है इस फोन के अंदर। तो मोड पे क्लिक करते हैं, रीसेट टू डिफॉल्ट, उसके बाद रीसेट करना है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या क्लिक करना है। यहाँ पे R ये जो लिखा हुआ है RJIL लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद देख सकते हैं हमारा वोल्टी यहाँ पे इसके ऊपर टिक करेंगे तो वोल्टी आ जाएगा जियो 4G के ऊपर। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वोल्टी आ चुका है, लेकिन फ़ोन में कुछ मसला आ रहा है, तो इसको पावर की को प्रेस करना है, इस तरह से बैक करना है आपको, ये फ़ोन का कुछ इशू है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वोल्टी जो है आ चुका है, अब आपको कॉल करके भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से करने पे अगर भी वोल्टी नहीं आता है, तो बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया है, तो सिर्फ आपको इंडियन फाइल से फ़ोन को फ्लैश करना है तो आपका वोल्टी आ जाएगा। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला और भी बहुत सारा वीडियो मैंने दिया है, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, तो आराम से उस प्रॉब्लम को देख के सैमसंग का वोल्टी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बना के बता दिया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।